वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुई है तब से यूरोपियन यूनियन के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है। आपको पता होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक बार ये भी कहा था कि हम रशिया को पनिश करेंगे और रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल को अब हम परचेज नहीं करेंगे। उन्होंने सैंक्शंस भी लगा दिए और रशियन इकोनॉमी अगर कोलैप्स करे, इस डर से उन्होंने क्रूड ऑयल परचेज करना भी बंद कर दिया। लेकिन ऑयल के बिना तो चलेगा नहीं, कहीं से तो परचेज करना ही पड़ेगा। तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड को रशियन क्रूड ऑयल की नीड है, वो अब परचेज करना चाहते हैं, मगर अब रशिया से तो कर नहीं सकते, इसलिए वो अब इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास तो इतना बड़ा रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सस्ती रशियन रिफाइंड ऑयल हमें भी दे, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे देश में भी भेज दो। तो इंडिया ने यहाँ पर कहा, ठीक है, हम आपको भेज देंगे, लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर नवंबर का जो डेटा आया है वो देखें तो उसमें यूएस एंड यूरोपियन यूनियन इंडियन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप बायर बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल में, यूएस अमंग टॉप बायर्स ऑफ इंडियन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये नवंबर का डेटा है और इसमें ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये रशियन रिफाइंड क्रूड ऑयल है। पूरा नहीं, लेकिन मेजर पोर्शन रशियन रिफाइंड क्रूड ऑयल है। अगर नवंबर की बात करें तो यूएस ने 588 मिलियन डॉलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट करवाया है नवंबर में, जो इस फिस्कल में अब तक का हाईएस्ट लेवल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवंबर में यूएस ने इतना ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसलिए इंडिया से मंगवाया क्योंकि दिसंबर में वहां पर हॉलीडे सीजन होता है, इसमें फ्यूल की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। वहीं अगर हम नेदरलैंड की बात करें, जो ऑयल स्टोरेज का हब है पूरे यूरोपियन यूनियन का, उसने अक्टूबर की कंपैरिजन में नवंबर में 45% ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट करवाया है। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। तो रशिया ने नवंबर में जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है इंडिया को, ये करीब 3 बिलियन डॉलर किया है, जिससे रशिया सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। अब यूएस की बात करें तो वो एक मेजर इम्पोर्टर बन गया है इंडिया का, क्योंकि वो रशिया से डायरेक्ट क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर सकता, तो इंडिया रशिया से चीप प्राइस में क्रूड ऑयल परचेज करता है, फिर उसको रिफाइन करके दुनिया भर में बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। तो यूएस ने 8 महीने में 30 नवंबर तक इंडिया से 3.62 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है और ये प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में 23% ज्यादा है और पिछले 5 साल में हाईएस्ट रहा है। अब यूके, स्पेन एंड रोमानिया ने इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट कम कर दिए हैं, जबकि पोर्टुगल, बेल्जियम एंड इटली, इन्होंने इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बढ़ाया है। पोर्टुगल ने 1600 गुना, बेल्जियम ने 535 गुना, इटली ने 17 गुना बढ़ाया है। ये मेजर इंक्रीज हुआ है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि रशियन क्रूड ऑयल इंडिया में रिफाइन कौन कर रहा है, तो 3/4 ऑफ चीप रशियन ऑयल प्राइवेट कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रशियन कंट्रोल्ड नायरा एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये नायरा बेसिकली रशियन कंट्रोल्ड है, इसकी इंडिया में रिफाइनरी है जिससे वो बहुत ज्यादा रशियन क्रूड को रिफाइन कर रहे हैं। ये कंपनीज चीप प्राइस में ऑयल परचेज करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं इंडिया में और प्रॉफिट कमा के यूरोपियन नेशंस को, यूएस को बेच रहे हैं। नाउ रिलायंस अब 1/3 ऑफ क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर रहा है, जो पहले 5% हुआ करता था। वहीं जो पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये ज्यादातर रशियन ऑयल पर निर्भर नहीं करते, तो इसमें प्राइवेट रिफाइनर्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और इससे इंडिया को भी फायदा मिल रहा है। इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए रशियन ऑयल का एक बैकडोर बन गया है, क्योंकि रशियन ऑयल यूएस यूरोप ने तो बैन कर दिया। अब यूएस यूरोप ने बैन कर दिया तो जाहिर सी बात है कि रशियन ऑयल की कीमत गिरेगी, तो इंडिया ने इसका बेनिफिट लिया, चीप प्राइस में रशियन ऑयल परचेज कर रहा है और रिफाइन करके फॉरेन मार्केट में बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। इंडिया की एशियन रिफाइनिंग हब है और 23 मेजर रिफाइनरीज की इंस्टॉल कैपेसिटी 250 मिलियन टन पर एनम है, इतना क्रूड ऑयल रिफाइन कर पाता है इंडिया। नवंबर में नेदरलैंड्स टॉप मोस्ट इंपोर्टर था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जिसमें जेट फ्यूल भी इंक्लूड है। नेदरलैंड ने टोटल 1.26 बिलियन डॉलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है इंडिया से। यूएई भी सेकेंड लार्जेस्ट बायर था, 667 मिलियन डॉलर का रिफाइंड प्रोडक्ट परचेज किया है और यूएस ने भी 588 मिलियन डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है। तो इसलिए इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए रशियन ऑयल का एक बैकडोर बन गया है। अब प्राइस कैप की बात करते हैं, जो यूएस और G7 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन ने लगाया था, क्या वो इंडिया को बेनिफिट कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन और यूएस ने तो कह दिया कि अब हम वो रशियन ऑयल परचेज नहीं करेंगे जो शिपिंग लाइन थ्रू आ रहा है, और साथ ही कोई थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री रशियन ऑयल खरीदता है $60 पर बैरल से ज्यादा की कीमत पर, तो उसको हम इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं देंगे। तो हुआ ये कि रशियन सीबोर्न ऑयल थर्ड कंट्रीज महंगे दाम पर नहीं ले सकते, सस्ते दाम पर लेंगे तो रशिया को तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने ओपनली कह दिया कि हम ये प्राइस कैप मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करते। और रशिया ने भी इंडिया को 53-56 डॉलर की कीमत पर, मतलब प्राइस कैप से काफी कम कीमत पर, डिस्काउंट प्राइस पर, रशिया ने इंडिया को ऑयल दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट करना, ये दोनों चीजें आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अगर प्राइस कैप $60 पर बैरल का थ्रेशोल्ड पार हो जाएगा तो ये शायद चैलेंज हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन खुश नहीं है इंडिया रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, इसलिए
लिए और इंडिया को कन्विंस भी करना चाहता है कि अब रशियन ऑयल परचेज करना बंद करो। लेकिन इंडिया को एक और डाउट भी है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए उन सभी देशों में जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, तब क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि रशियन क्रूड को टोटली मार्केट से कट ऑफ कर देंगे जब ईरान एंड वेनेजुएला पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो ग्लोबल ऑयल प्राइस बहुत बढ़ जाएगी और इस तरह से ग्लोबल मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाएगा, ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी। और आखिर यूरोपियन यूनियन को भी सस्ते दाम पर ऑयल चाहिए और यूएस के लिए भी ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।